नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट देख रहे हैं, एक टायर है। इस टायर को आज हम बनाएंगे क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से इसमें जो ये डिस्प्लेज हैं अलग अलग, ये एक्सिस पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन डिस्प्ले, इनको ऑन कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ से स्पिन सेंटर को भी ऑन कर दिया। तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है, जैसे कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया, ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है इस कंपोनेंट का। तो अब यहाँ से मैं फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने फाइल पर क्लिक करने के बाद इसे क्लोज़ कर दिया। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन अब हमारे सामने आया है, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जो हमारे सामने आता है सबसे पहले। यहाँ से न्यू पर क्लिक किया मैंने, नई फाइल ओपन करनी है हमें। यहाँ पार्ट पर चेक मार्क होना चाहिए। यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर मैं ये चेक मार्क हटा रहा हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए, एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होता है। यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और देखेंगे MMNS पार्ट सॉलिड। तो ये रहा MMNS पार्ट सॉलिड, और ओके पर क्लिक किया मैंने। तो अब ये एक फाइल ओपन हो गई नई। तो ये जो आपको जिस तरह से प्लेन नज़र आ रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है इसका, इसी तरह से ये नज़र आते हैं। अब हम इसे जो है कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं। स्केच बनाता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने स्केच पर क्लिक किया, यहाँ से ये फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया और स्केच पर क्लिक किया दोबारा, और इसके बाद स्केच व्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये इस ओरिएंटेशन में हमें दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर हम स्केच बनाएंगे। तो पहले यहाँ से मैंने लिया एक रेक्टेंगल, ये सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पर क्लिक किया सेंटर हमने, और एक क्लिक नीचे की तरफ किया और एस्केप दबाया। तो देखिए, डायमेंशंस में नज़र आ रही हैं, अब इन्हें मॉडिफाई करते हैं। ये टेक्स्ट पर जाकर मैंने डबल क्लिक किया, 200 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह से ये डायमेंशंस जो हमें नज़र आ रही हैं, मैं ड्रैग करा के इनको नीचे ले आया हूँ, और इन्हें भी जो है चेंज करके हम, ये देखिए 200, ये इस तरह से हमने चेंज कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक आर्क बनानी है। यहाँ से मैं आर्क पर जाता हूँ, 3 पॉइंट आर्क ये लेंगे हम, एक क्लिक इधर और बिल्कुल सीध में ही एक क्लिक दूसरी तरफ। और ये देखिए, ये टेंजेंसी का जैसे रिलेशन हमें शो होगा ऊपर ले जाने पर कर्सर, हम क्लिक कर देंगे और एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाने के बाद देखिए, ये डिस्टेंसेस हमें कुछ, ये जो यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं ये डायमेंशंस, इन्हें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। पहले तो यहाँ से देखिए, डायमेंशन पर क्लिक किया मैंने, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बी, एक एक करके दोनों पर क्लिक किया और स्क्रॉल बटन को पुश किया। ये देखिए, 1 to 1.61 आ रहा है, इसे हम चेंज करके कर देंगे 150। 150 करने के बाद अब यहाँ से इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसे हम कर देंगे कितना, 8। ये देखिए, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो 75 होना चाहिए। देखिए, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने 75 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए, ये भी हो गया सही। अब हम यहाँ से एक दूसरा आर्क बनाएंगे। ये देखिए, ये 3 पॉइंट टेंजेंट आर्क, एक क्लिक इधर और एक क्लिक नीचे की तरफ हम जाएंगे थोड़ा सा यहाँ, और ये किया हमने यहाँ। देखिए, जैसे टेंजेंसी का साइन शो हुआ, क्लिक कर दिया हमने, एस्केप दबाया। अब यहाँ से इसमें चेंजेस कर रहेंगे, जो भी करना है हमने। ये ले लिया हमने डायमेंशन, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, और स्क्रॉल बटन को पुश किया। तो यहाँ से लेंगे 184। ओके, तो इसके बाद अब एक आर्क और बनेगा यहाँ पे। फिर से हम आर्क पर गए, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और नीचे इस तरह से, और एस्केप दबाया। इस आर्क को हम कर देंगे यहाँ पे आर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 15। ये देखिए, इस तरह से ये बनती है प्रोफाइल। अब हम यहाँ से इस आर्क पर क्लिक करेंगे और एक कंट्रोल की प्रेस करूँगा और दूसरी आर्क पर क्लिक करूँगा। तो ये इतना जो ये प्रोफाइल है, ये सेलेक्ट होगा। यहाँ से मिरर पर क्लिक करेंगे और इस रेफरेंस लाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा। अब ये 75 जो एक नज़र आ रही है, ये डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये फुली कंस्ट्रेंड एक स्केच हो गया। फुली कंस्ट्रेंड मतलब फुली डिफाइंड। यहाँ से मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और इस पॉइंट पर क्लिक करके, ये देखिए, यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के बाद अब हम, ये देखिए, एक एक करके जो चारों तरफ हमने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल के एक स्क्वायर था ये 200 बाई 200 का, इसे हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक सेंटर लाइन मार्क करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। यहाँ से अब ओके पर क्लिक करेंगे।
ये देखिए स्केच बन गया हमारा इस तरह से। अब रिवॉल्व पर क्लिक किया, ये स्केच पर क्लिक किया, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा ये सॉलिड पर होना चाहिए, रिवॉल्व एज सॉलिड, और ओके पर क्लिक किया। तो ये इस तरह से हमें देखिए ये को अब नज़र आएगा। अब हमें एक सरफेस बनानी होगी तो उसको भी हम रिवॉल्व करना चाहेंगे, तो स्केच पर क्लिक किया मैंने, दोबारा से ये फ्रंट प्लेन ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्केच पर क्लिक किया और दोबारा स्केच व्यू पर क्लिक करते हैं। अब हमें एक आर्क बनानी है, तो यहाँ से देखिए ये आर्क पर गए, 3 पॉइंट टेंजेंट आर्क, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और एक क्लिक इस तरह से साइड में, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकला है। अब ये जो डायमेंशन हमें नज़र आ रही है इन्हें मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से पहले डायमेंशन पर क्लिक करूँगा मैं, इस पॉइंट और इस लाइन पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे तो देखिए डिस्टेंस दिखाई देगा, इसे हमें करना है 360। अब ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से पहले हम इस टाइम मतलब डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल को पुश करूँगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये है 225। 225 के बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, स्क्रॉल बटन को पुश किया तो ये हो जाएगा 225/2, ये बिल्कुल बीच में आ गई अब ये आर्क। अब ये जो डिस्टेंस है इस पर हमने क्लिक किया, ये हो जाएगा 360, एंटर प्रेस किया, देखिए ये ऊपर चला गया, और यहाँ से जो ये आर्क है इसकी रेडियस हो जाएगी 290, तो ये इस तरह से देखिए हमें नज़र आएगी आर्क। अब यहाँ से हमने सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस तरह से और एक क्लिक यहाँ, ओके, स्केच हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बाहर निकलते हैं कमांड से, यहाँ से देखिए अब रिवॉल्व पर क्लिक करेंगे दोबारा और ये पॉइंट ये वाली जो आर्क है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये सरफेस है हमारे लिए, देखिए सरफेस पर मैंने क्लिक किया, ये इस तरह से रिवॉल्व हो गई सरफेस और ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए दोनों का कलर अलग अलग है, ये सॉलिड है और ये सरफेस है, सॉलिड जो है ग्रे कलर से शो हो रहा है और सरफेस हल्के स्काई ब्लू कलर से यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें जो एक पैटर्न बनाना होता है वो बनाएंगे, इस पर टायर के ऊपर एक पैटर्न होता है, तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ से प्लेन पर क्लिक करते हैं, फिर मैंने ये टॉप पर क्लिक किया, यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए 410 जो कि पहले से यहाँ पर पड़ी हुई है, फिर भी अगर नहीं है तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए 410 और एंटर प्रेस कर दीजिए और ओके पर क्लिक करिए, तो ये एक प्लेन आ जाएगा। इस प्लेन से इस प्लेन की दूरी है ये वर्टिकल डिस्टेंस है 410। अब यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया और स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हमें नज़र आएगा ये। तो चलिए अब हम स्केच बनाते हैं, मैंने लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक ऐसे, फिर से लाइन पर क्लिक करता हूँ मैं, ये एक क्लिक इस तरह से और ये एक एंगल में लाइन बनाएंगे हम, एस्केप दबाया। अब ये जो एंगल यहाँ शो हो रहा है 135, एंटर, देखिए हमें ये एंगल 45 का चाहिए था तो ये मैंने 35 का ले लिया जो शो हो रहा था। अब एक ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इस डिस्टेंस को ले लेंगे हम 14.64, ओके, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम ले लेंगे 50। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लाइन पर फिर से क्लिक किया और ये देखिए बिल्कुल ये सिमेट्रिक हो जाए जैसे ही, मतलब बिल्कुल ये देखिए, अब ऊपर वाली लाइन जो है वो हरे रंग से आपको हाईलाइटेड होती नज़र आ रही है, इसका मतलब ये दोनों, और नीचे इक्वल का साइन आ गया, तो देखिए ये बराबर है, यानी दोनों लाइन, मैंने क्लिक किया यहाँ पर, यहाँ से एस्केप दबाया, ये दोनों लाइनें देखिए हमें मिल गई। अब हम इन्हें ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए डायरेक्शन ये दिखा रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर हमें लाइन को ऑफसेट करना है तो सिंपली मैंने डिस्टेंस दिया 15 और एंटर प्रेस किया। अभी हम ऑफसेट में ही हैं, देखिए ये हाईलाइटेड है, अब इस लाइन पर क्लिक किया, अब ये डायरेक्शन उधर दिखा रहा है, तो यहाँ पर टाइप किया 15 और एंटर प्रेस किया। अब दोबारा इस लाइन पर क्लिक करते हैं, अब देखिए डायरेक्शन ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में देंगे, यानी -15 और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर दोबारा इस लाइन पर क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे भी हमें -15 देना होगा, तो मैंने -15 दिया, एंटर प्रेस किया और क्लोज कर दिया। अब ये तीनों लाइनों को विंडो बना के मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए तीनों ग्रीन कलर से शो होने लगी,
मिरर पर क्लिक किया और इसके बाद ये रेफरेंस लाइन जो बीच में नज़र आ रही है इस पर क्लिक किया, ये मिरर हो गया ऑब्जेक्ट। ये देखिए तीनों लाइनें इस तरफ मिरर हो गई। अब यहाँ से हम कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। देखिए कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद इस लाइन पर क्लिक किया और इस लाइन पर क्लिक किया, देखिए ये कॉर्नर बन गया। इसी तरह से ये भी लाइन है, ये भी कॉर्नर क्रिएट कर देंगी। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से मैं ड्रैग करते हुए ये लाइनों को हटाता जा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए लाइनें हट गई। अब हम लाइन पर दोबारा जाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में लाइन की मदद से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कनेक्ट करके इस स्केच को क्लोज कर देंगे। ये क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज हो गया। यहाँ से अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया, ये ऐसे नज़र आने लगा। अब हम एक्सट्रूड पर जाएंगे, क्लिक किया यहाँ पर। यहाँ से मटेरियल जो है ये देखिए, यहाँ से इसका जो फ्लिप, इसे फ्लिप कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर दिया। और यहाँ से लिया हमने ये देखिए ये ऑप्शन, एक्सट्रूड अप टू सेलेक्टेड सरफेस। तो ये सरफेस हमने इसीलिए बनाई थी, मैंने इस सरफेस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ तक ये सरफेस तक ये हो गया। अब यहाँ से हम रिमूव मटेरियल ये ऑप्शन लेंगे, तो देखिए ये मटेरियल यहाँ से सरफेस तक का रिमूव हो गया और ओके पर क्लिक कर दिया हमने। तो ये इस तरह से देखिए ये पैटर्न बन गया इस पर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए कि ये था एक्सट्रूड कट वन। यहाँ से क्लिक किया हमने, ये सेलेक्ट किया, पैटर्न पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से लेंगे एक्सिस, एक्सिस जो होगा वो ये वाला होगा, ये देखिए इस पर क्लिक किया। यहाँ से अब हम ये 360 जो है टोटल एंगल इसे ऑन करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए हमने कितने, 28, और एंटर प्रेस किया और ओके पर क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से हमें ये नज़र आने लगा दोस्तों। पैटर्न करने के बाद हमें इस तरह से ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो चलिए अब हमें इसमें शेल करना है। तो शेल करने के लिए हम यहाँ से शेल पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर वैल्यू हम दे देंगे 5 और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये सरफेस है, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ से फ्लिप ये ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज सी शेप है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इस तरह से देखिए अब ये नज़र आने लगा, ये देखिए। और यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया। देखिए दोस्तों इस तरह से अब ये नज़र आने लगा, ये यहाँ से ये शेल हो चुका है। तो अब हम यहाँ से इसे हाइड कर देते हैं। ये जो सरफेस हमने बनाई थी रिवॉल्व टू, इस पर क्लिक किया मैंने। देखिए ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ से हाइड का, इसे हाइड कर दिया। अब देखिए ये अंदर से भी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसकी अपीयरेंस चेंज करते हैं। अपीयरेंस चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पार्ट पर क्लिक किया। इसके बाद व्यू पर जाएंगे, व्यू पर जाने के बाद अपीयरेंस में गए और ये ले लेते हैं हम यहाँ से, इस पर क्लिक किया मैंने। ये देखिए ये चेंज हो गई। और इसे चेंज करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके ये जितने भी डिस्प्ले नज़र आ रहे थे, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट के, इसे ऑफ कर दिया। यहाँ से स्पिन सेंटर को ऑफ कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमें ये टायर नज़र आएगा। इसको एक बार हम यहाँ से सेक्शन करके भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने ये ले लिया फ्रंट प्लेन, ये देखिए ये सेक्शन होकर दिख रहा है हमें इस तरह से। यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये था टायर इन क्रियो पैरामेट्रिक 7.0। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।